अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है एस माही इरफान। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरे इन वीडियोस में कुछ भी आपको सही लगता है और आप जो है मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो और दोस्तों, ऑलमोस्ट मैं इतनी कोशिश तो करता हूँ दोस्तों, इतनी कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों कि आपके सामने वो चीज़ें लाने की जो ट्रस्टेड हो और जो आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप या आपके जो भी मैं चीज़ें दिखाऊँगा उसके रिलेटेड वो वर्क करनी चाहिए ऑलमोस्ट दोस्तों हर बार। तो ये दोस्तों, आगे और भी आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके फ़ोन में बिल्कुल अच्छे से वर्क करेंगी। और तो और दोस्तों, आप जो है मेरी इस यूट्यूब चैनल को ट्रस्ट कर सकते हैं और मैं आपको ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ गलत नहीं बताऊंगा और दोस्तों आगे भी नहीं करूंगा वो गलती जो मेरे सब्सक्राइबर्स को पसंद ना हो। तो दोस्तों, आज जो मैं बात बताने वाला हूं दोस्तों, ये जो चीज़ है मोस्टली नए फ़ोन में अवेलेबल है, पुराने फ़ोन में कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो नए फ़ोन है उनमें ऑलमोस्ट सभी फ़ोन में ये चीज़ अवेलेबल है, ये फीचर अवेलेबल है दोस्तों। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन करता हूँ और मुझे दोस्तों ये जो है सॉन्ग सुनना है, लेकिन गाइस सॉन्ग के साथ साथ मुझे अपना काम भी करना है, या मोस्टली हम क्या करते हैं, कभी गेम करते हैं, कभी ब्राउजिंग करते हैं, तो हमें कुछ पढ़ना है, और हम पढ़ने के साथ साथ अगर मेरे फ़ोन में गाने ना हो या मैं कुछ अलग डिफरेंस सुनना चाहता हूं, तो आज तो बहुत से दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं या आपके म्यूजिक प्लेयर में भी ऐसी ऑनलाइन म्यूजिक मिलता है। अगर आप कोई शाओमी यूज़र है या मोस्टली जो भी नए नए हैं, तो उसमें आपको ऑनलाइन भी म्यूजिक देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मोस्टली यूट्यूब लवर हैं और यूट्यूब को पसंद करते हैं, यूट्यूब में गाने आपको अच्छे से मिलते हैं, और अगर आप एक लिस्ट बना के ऐड टू प्लेलिस्ट करके यूट्यूब से ही डायरेक्ट प्ले करना चाहते हैं, या आपने ऑफलाइन कोई डाउनलोड किया यूट्यूब पे, आप उसको डायरेक्टली चलाना चाहते हैं और साथ ही साथ जो है अपना काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप ईजिली वो चीज़ आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरा यहाँ पे ये गाना चल रहा है तो मैं उसको कंटिन्यूसली करना चाह रहा हूँ, साथ ही साथ ब्राउजिंग भी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपनी रिसेंट ऐप्स में जाएंगे या जहाँ पे भी आपको सिप्लिट सिग्निंग का ऑप्शन मिलता है, तो जहाँ पे आपको सिप्लिट सिग्निंग का ऑप्शन मिलता है वहाँ, जैसे मेरे यहाँ फ़ोन में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मुझे ड्रैग करना है कोई भी चीज़ जो है वो ड्रैग करनी है यहाँ पे इस सिप्लिट सिग्निंग में, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब को ड्रैग किया और मैं अपना काम जो है ईजिली अब कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है ड्रैग करके मैं अपना सर्फिंग भी कर सकता हूँ। अगर मेरी किसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, अगर किसी चीज़ कारण से किसी ऐप में आपको ये स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन अवेलेबल ना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी सेटिंग ऑप्शन है, इसमें तो आ रहा है दोस्तों, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे वीवो वीडियो ऐप देखिए, तो यहाँ पे ऐप डजंट सपोर्ट स्प्लिट स्क्रीन, तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली आपका स्प्लिट स्क्रीन तो वर्क करेगा। आप यहाँ पे देखोगे मेरा बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है, कर रही है ये चीज़, और यहाँ पे जो भी चीज़ें मेरे को या जिन चीज़ों पे भी मेरे को काम करना है मैं इजीली वहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मुझे आप लगा कि आपको बताने की ज़रूरत है, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई दोस्तों। और साथ ही साथ जो है दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन के साथ साथ, और अगर आप फिर एग्जिट करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ऊपर एग्जिट का आइकन मिलता है जिसे आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी मिलती है कि मिसाल के तौर पे आप अभी ब्राउजिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ब्राउजिंग कर रहे हो, तो आपका जो स्प्लिट स्क्रीन है वो सेंटर या हाफ ऑफ स्क्रीन का है। अब यहाँ पे आपको 1/3 कर सकते हो, ऊपर की तरफ 1/3 कर सकते हो, अगर आपको नीचे ले जाना है तो आप नीचे ले जा सकते हो। बट गाइस यहाँ पे ये जो चीज़ है आपको हर किसी ऐप में अवेलेबल ना मिले नहीं मिलेगी, तो ये जो चीज़ है आप स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं और अपना यूट्यूब के गाने जो है वो सुन सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। वैसे तो दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कोशिश करूंगा दोस्तों आज के बाद आपको ऐसी वीडियो सामने लाने की या ऐसी चीज़ें दिखाने की कि जो है जो आपके फ़ोन में वर्क करे और जो आप सही से अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कुछ और कोशिश करूंगा दोस्तों आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बात समझाने की। तो प्लीज़ गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। गुड नाइट, हैव अ नाइस मोमेंट अहेड, अस्सलाम वालेकुम।